आप देख रहे हो सच्ची घटनाएं। यह घटना एक हकीकत है जो मेरे सामने की है। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। वह एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर नीचे की ओर मुड़ी हुई घूमी हुई थी। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता था कि मुझे तो उस दिन की घटना याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई थी। शायद आप लोगों से मैं कोई भी जानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती हैं। हर गली और चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं, भले ही वो हमें ना दिखती हों, लेकिन वह आत्माएं या भूत हमें तब दिखते हैं जब हमारी राशि उनकी राशि से मिल जाती है। मैं आपको आज ऐसी ही हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मित्रों, मैं अब आपको उस घटना के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त, हम सभी लोग स्कूल से छुट्टी होने के बाद उस पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे और बैठे लोग गर्मियों में उस पर झूला झूलते तो बड़ा ही मज़ा आता था। लेकिन वहाँ उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी के मानते थे, बस रोज़ खेलने को चल दिए। एक बार की बात है, दोपहर का समय था, हम तीनों दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया। उस दिन हमारी छुट्टी जल्दी हो गई थी और 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊँचाई पर जाके छिप जाते हैं और लोग आएंगे तो हम उन्हें भूत बनकर डराएंगे। हम अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर रखकर चढ़ गए। दोस्तों, एक बार बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था और हम लोग अक्सर उस जब थक जाते थे खेलते खेलते तो उस कुएं पे पानी पीने जाया करते थे। 1 बजे का टाइम था जब हम लोग इंतज़ार कर रहे करके थक गए। वो लोग नहीं आए तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पी के आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों, वो लोग नीचे उतर कर पानी पीने चले गए। सूर्य अपनी फुल तपन पर था, गर्मी की लू जोर जोर से चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनाकर धूल उड़ाते आ जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे गांव में इन हवाकार को दंदूरा कहते हैं, जो गोल गोल ऐसे घूमते हैं उनको दंदूरा कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते देखा। बड़ी धूल उड़ाए आया और पीपल के सारे पत्ते झक सर सर की आवाज करने लगे और कुछ टूट कर नीचे गिर गए। मेरी तो आंखें बंद हो गई, सारे पक्षी उड़ गए। एकदम मैंने जब आंखें खोली तो मैं क्या देखता हूँ, एक काली सी शक्ल, बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और मैंने देखा कि वो मेरे सामने की डाली में बैठा है। एकदम डर के मारे मेरे हाथ पैर फूल गए और जब मैंने अपनी आंखें देखी तो मैं ज़मीन पर गिरा। नीचे गिरते ही बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं और उन मुझे उठाकर उन्होंने बिठाया और नीचे पेड़ के पत्ते इकट्ठे हो गए थे, इसलिए मेरे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बस पैर में थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ था, अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा, सारे दोस्त समझ रहे थे कि आज मैं उन्हें डराने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी है, तू जा पानी पीकर आया, गिर गया है तो तुझे प्यास लगी, हम लोग यहीं बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। वैसे डरा मैं इतना डरा हुआ था, मेरे इतने हाथ पैर फूले हुए थे कि मन ही मन सोच रहा था कि बस आज यहाँ से निकल जाऊँ, फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगा। मैं कुएं के पास पहुँचा। जैसे ही मैंने कुएं की बाल्टी डाली, वापस उस बाल्टी को खींचने लगा, तभी ऐसी आवाज़ लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा है। और मैं तो तब डर गया जब रस्सी मैंने आराम से पकड़ कर रखी, ये आवाज़ कैसे सुनाई। कुएं में जैसे ही मैंने देखने का प्रयास किया, मुझे वही भयानक सा चेहरा नज़र आया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई टकराया। मेरे तो होश उड़ गए, डर के मारे मेरे हाथ पांव फिर शिथिल हो गए। भयानक शक्ल वाला आदमी मेरे सामने खड़ा है, मेरी बोलती बंद हो गई। बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े ऐसा लग रहा था जैसे उस व्यक्ति ने कभी मंजन ही नहीं किया है, उसकी खाल जली हुई थी, एक जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, बस शरीर में कोई जान नहीं है। अब तक क्यों नहीं
जब मैं वहीं बेहोश हो गया, मेरे दोस्त काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे। जब मैं नहीं आया तो सारे मेरे दोस्त आए, मेरे मुझे उठाकर उन्होंने फिर उसी पेड़ के नीचे लिटा दिया। तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया, दोस्त मुझे उठाकर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो देखा मेरे दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था, हम पानी ले आते, कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले हमें जान से मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मैंने सचमुच में भूत देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय को कभी भूत के बारे में तो बोलता ही नहीं था, लेकिन आज इतना भूत भूत क्यों चिल्ला रहा, आज इसे क्या हो गया है जो हर बात पे भूत भूत लगाए हुए। भाई अब तक दो बज चुके थे, हमारे दोस्तों का आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे तो डर लग रहा था पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी सी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। जब कुछ लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने चालू किए, तब तक हुआ क्या, ज़ोर से एक दंदूरा हवा का झोंका आया और सारे के पीपल के पत्ते फिर उसी तरीके से सरसराने लगे और ज़मीन पर गिर गए। हम बड़े ही खुश हुए कि आज तो हमें डराने क्या पता था कि कक्का भूत ही यह सब देख रहा था। उसने ज़ोर ज़ोर से पेड़ को हिलाया, जैसे ही मैंने मेरे दोस्तों ने यह सब देखा जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आँखें लाल 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 दांत होंठों से बाहर निकल रहे थे। हम वहाँ से भागे, मैं तो डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरे दोस्त जिससे लटका वो डाली टूट गई और एकदम से नीचे जा गिरा। वहाँ से भागे हम लोग, मैंने और मेरे दोस्त पीछे पीछे देख रहे थे, मुड़कर देख रहे थे और जल्दी से हम घर पहुँचे। हमने देखा कि वो आराम आराम से आ रहा था, पीछे पीछे आ रहा है। उसकी आंखें लाल हाव भाव बदले हुए नज़र आ रहे थे और हमने गौर किया कि वो भूत अचानक से गायब हो गया और हमारे एक दोस्त था नीरज। हमने देखा कि नीरज में अचानक से परिवर्तन हो गया है, नीरज की आंखें लाल हो चुकी हैं, उसके हाव भाव बदले नज़र आ रहे हैं और वह हम ही को देखते घूरता चला आ रहा है। नीरज सीधे जाकर अपने घर के चबूतरे पर जाकर बैठ गया। जब घर के लोगों ने उसे देखा कहाँ गए थे, उससे पूछने लगे तुम लोग, तो मेरे दोस्त ने सुरेश ने सारी बात बता दी। तो हमारे गाँव के चाचा ने कहा, मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा उस पेड़ के पास मत जाया करो, अब देखो कि इसका क्या बुरा हाल किया है, अब जाकर भगत जी को बुला। मित्रों भगत जी, हमारे गांव में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो भूत पिशाच इन सब से बात कर सकता है। भगत जी को बुलाया गया, भगत जी ने कहा हनुमान जी के मंदिर से भभूत ले आओ। हम लोग जब मैंने और मेरे दोस्त भभूत लेने गए, भभूत ला के जब भगत जी उसके पास बैठे, पहुँचते ही सब समझ गए, कहा भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो, उससे बात करने लगे जो हमारे नीरज को भूत आ गए थे, उससे बात करने की, हाँ तुम क्या लेने आए हो। और भगत जी ने कुछ मंत्र बोले और उस राख को उसके ऊपर फेर दिया, कुछ कमंडल से जल के छींटे मारे, उसका कान पकड़ कर बोले तूने इस लड़के को क्यों जकड़ रखा है, कौन है तू और कहाँ से आया है। तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहता हूँ, रहने वाला भूत हूँ, यह लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते हैं, इसीलिए मैंने इनको डराया है और इसको पकड़ लिया। भगत जी बोले तू पीपल को छोड़ कहीं दूर जंगल में जा रहे, पीपल बच्चों के खेलने के लिए जगह है। भूत कहता है पर मैं कहाँ जाऊँगा। तब भगत जी ने कहा कि तू ऐसे ही चला जाएगा या फिर निकालूँ अपना वज्र, और भगत जी की आंखें लाल हो गईं। भूत ने कहा आप मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊँगा, कितना अच्छा बच्चा है, इतना जल्दी समझ गए। एकदम से नीरज हिला और वो नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जगा हुआ है। तब भगत जी ने कहा जाओ अब पीपल वाला भूत भाग चुका है, तुम कभी भी पेड़ पर जाकर खेल सकते हो। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा कि भगत जी की आंखों में जो चमक आई थी, जो लाल हो गई थी, वह और कोई नहीं था, स्वयं हनुमान जी थे। उन्हीं ने कहा था कि मैं वज्र से मारूं क्या तुझे, तो बोलिए तो प्रेम से बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय। तब से हम लोग भूतों पर विश्वास करने लगे हैं और उनसे अब डर नहीं लगता, जब भी डरें तो बोलना जय बजरंगबली की जय।